मैच लास्ट ओवर में पहुंच गया दोस्तों, जिसमें राजस्थान रॉयल्स को जीत के लिए 12 रनों की जरूरत थी। मैदान पर मौजूद थे राजस्थान रॉयल्स की तरफ से आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे प्लेयर क्रिस मॉरिस, वहीं उनका दूसरी तरफ साथ दे रहे थे जयदेव उनादकट। वहीं दिल्ली की तरफ से लास्ट ओवर का कमान संभाला टॉम करन ने। टॉम करन ने पहली गेंद डाली, स्ट्राइक पे मौजूद थे क्रिस मॉरिस, उन्होंने शॉर्ट खेलकर ऑफसाइड में 2 रन भागे। अब राजस्थान रॉयल्स को 5 गेंदों में 10 रनों की जरूरत थी, लेकिन टॉम करन ने दूसरी गेंद स्लोअर शॉर्ट पिच कर दी, जिसको क्रिस मॉरिस ने लंबे छक्के के लिए भेज दिया। इसी छक्के के साथ अब राजस्थान को जीत के लिए 4 गेंदों में 4 रनों की जरूरत थी। ओवर की तीसरी गेंद टॉम करन ने क्रिस मॉरिस को डॉट कर दी और यहां से राजस्थान रॉयल्स को जीत के लिए 3 गेंदों में 4 रनों की जरूरत थी। मुकाबला किसी भी तरफ जा सकता था दोस्तों, राजस्थान के तरफ भी और दिल्ली के तरफ भी, और क्रिकेट फैंस को ऐसा लगने लगा था कि क्या आईपीएल 21 का हमें पहला सुपर ओवर देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ दोस्तों। और चौथी गेंद टॉम करन की क्रिस मॉरिस ने शानदार छक्के के लिए भेज दिया और मुकाबला राजस्थान ने 3 विकेट से अपने नाम कर लिया। जो दो युवा कप्तानों के बीच भिड़ंत तो हो रही थी, जिसमें संजू सैमसन के सामने थे ऋषभ पंत, उसमें संजू सैमसन ने बाजी मार ली और ये राजस्थान रॉयल्स की आईपीएल 21 में पहली जीत रही। और क्रिस मॉरिस ने ये बताया कि क्यों उनको इतने महंगे दाम पर खरीदा गया था।